हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस हिंदी डिजिटल चैनल में जिसका नाम है डिजिटल की ओर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए, हम अपने ज़्यादा आपको वक्त न गंवाते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, आप अगर अपने मोबाइल में चेक करेंगे तो अपने आप ही एक नंबर सेव हो जा रहा होगा, UIDAI का नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर है आपका 1800300-1947। ये नंबर आपके मोबाइल में अपने आप सेव हो जाता है और ये इसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखिए दोस्तों, यही नंबर है। अब इस नंबर को अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए। जैसे मैं चले जाता हूँ अपने, चलिए मैं डायलिंग जाने के बाद मैं एक नंबर डायल करता हूँ, 1800300-1947। अब जैसे ये नंबर डायल किया मैंने, ये देखिए दोस्तों, ये UIDAI के नाम से आ गया, बल्कि इसको मैंने सेव ही नहीं कर रखा है। ये नंबर मैंने सेव नहीं किया और ये अपने आप कैसे आ गया ये मुझे भी नहीं पता, और इसके बारे में सभी लोग परेशान हो रहे कि आखिर ये नंबर आया तो आया कैसे, ये कोई स्पाईवेयर है या एडवेयर है। दोस्तों लोग इससे खासा परेशान हो रहे हैं कि ये किसी की हरकत हो सकती है या किसी कंपनी की कोई चाल हो सकती है। तो मैं आप दोस्तों को सब साथ साफ साफ बता दूँ कि दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी की हरकत है, ये भी हमारे सामने आ चुका है। मैं आपको इसका पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नंबर आया कहाँ से है। तो दोस्तों ये डाल रखा है गूगल ने और ये इसकी पूरी पुष्टि भी कर रहा है गूगल। अब वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने खाना चाहूँगा दोस्तों, गूगल कर रहा है ये सब, और इसने गूगल ने अपने ट्विटर हैंडल में भी कहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका पूरा रिपोर्ट है मेरे पास, ये अगर आप पढ़ना चाहें इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसकी फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, गूगल ने खुद माना है कि 2014 में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसने लॉन्च किया था OEM, उसमें इसने गलती से ये नंबर ऐड कर दिया था, आधार कार्ड का नंबर, जो ये पुराना नंबर है, और ये नंबर अब बंद भी हो चुका है। इसको मैं आपको ट्विटर हैंडल में भी दिखा दूँ, ट्विटर के, ये देखिए गूगल के ट्विटर हैंडल में भी है ये नंबर। गूगल ने भी खुद इसको मान रखा है कि ये नंबर वो गलती से 2014 में उसने ऐड कर दिया था और इसको जल्द से जल्द ये लोग शॉर्ट आउट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गूगल से मिस्टेक हो रखा है एक और कुछ नहीं है, और इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा और ये कोई स्पाईवेयर नहीं है। तो इसलिए आपको दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और बस अभी तक मेरे इसमें फ़िलहाल इतना ही था इस वीडियो में, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसको दबा दें डेली लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए और क्रैक सॉफ्टवेयर और एंड वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।